मेरे जी टीवी का पहला शो है तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो और पहला जी गोल्ड अवार्ड पहली परफॉर्मेंस एंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. रेट्रो लुक है मेरा आज एंड मैंने भी आज इंडो वेस्टर्न पहना है जंपसूट लहंगा जो आपने देखा. सो वेरी मच एक्साइटेड, बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके भी. अब जा रहे हैं अवार्ड्स देखने. कितना टाइम लगा है? ओह मुझे 4 घंटे लगे बिकॉज पहले परफॉर्मेंस की चेंज, अभी रेड कार्पेट की चेंज एंड आई लव डूइंग मेकअप तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. आई टुक लॉन्ग टाइम बट इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम एंजॉइंग इट. गोल्डन मेमोरी, मेरी गोल्डन मेमोरी आज जी गोल्ड अवार्ड्स पे थी. मेरी जी के लिए पहली परफॉर्मेंस विच इज़ माई मेमोरी. इट वॉज़ फन, नर्वस फील हो रहा था बट एक्साइटमेंट भी थी. मेरे भाई भी आ गए, भूषण पेठा वाला उर्फ नील भट्ट पेठे वाला, पेठे वाला. Yes. तो हम दोनों ने परफॉर्म किया है एंड इट वाज फन. पर ऑन स्टेज हम लोग भाई बहन नहीं थे. नहीं, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे. इट वाज फन. एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट ईयर है बोरोप्लस जी गोल्ड अवार्ड्स में एंड एक्चुअली सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स हम लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुछ हो जाए कि भी आई गेट टू परफॉर्म हुए बट समथिंग ऑफ द अदर वाज नॉट वर्किंग आउट एंड फाइनली इस साल हो गया एंड आई गॉट टू परफॉर्म विद टू ब्यूटीफुल लेडीज एंड इट वाज फन परफॉर्मिंग विद देम एंड द अदर वन इज नॉट हियर राइट नाउ, शी इज शी विल कम इन अ व्हाइल. सो आई थिंक इट्स अ गोल्डन मोमेंट फॉर अस, द जी गोल्ड अवार्ड्स. या इट्स रियली नाइस. नहीं नहीं, हमारा शो तो जस्ट अभी 1 month ही हुआ है. इंशाअल्लाह हम आगे चल के बहुत सारे नॉमिनेशन होंगे. सो दिस टाइम वी हैव कम टू चीयर अप एंड परफॉर्म. योगा मैं करता हूँ, योगा इन द सेंस मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस ऑफ माइंड. मेरे ख्याल से दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ योगा दैट आई डू विच आई थिंक उससे ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग दैट आई फॉलो. आई फॉलो सूर्य नमस्कार. योगा करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है बट जब भी मिलता है आई डू सूर्य नमस्कार, जिसमें ओवरऑल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग इज फिट एंड प्लस वज्रासन हम सेट पे बहुत खाते हैं तो खाने के बाद हम वज्रासन करते हैं जिससे विच हेल्प्स अस फॉर डाइजेशन. मेरे ख्याल से अगर समथिंग इज नॉट, ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में फूड को लेकर चीज़ें थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो जाए. इफ़ थिंग्स आर नॉट एडिबल इनफ तो इट शुड बी बैंड एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन इंडिया विच इज़ वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. अगर सी आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि मैगी में सच में है कि नहीं है बट ये एक पायदान है, एक मापदंड है टू नो वेदर कि कोई चीज़ एडिबल है कि नहीं है. तो आई थिंक अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ.